तो एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे PGIMER पैरामेडिकल की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कहाँ पे आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ जारी की गई है। जैसे ही आपकी सीट वैकेंट रहेगी तो सेकेंड राउंड या आपका जो मॉपअप राउंड है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं, या आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों जो कट ऑफ जारी की गई है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं PGIMER की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन में आपको इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे टॉप पे एक नोटिफिकेशन शो करेगा, नोटिस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फॉर BSc पैरामेडिकल एंड BPH कोर्सेज के लिए। तो आपके पैरामेडिकल और BPH कोर्सेज के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ लिस्ट जारी कर देगी। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो के आएगा। इसमें आपको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप देख सकते हैं। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF ओपन होकर आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने फाइल डाउनलोड होकर आएगी। इसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो हमारी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो आपकी 24 तारीख को आप कंडक्ट करवाई जाएगी, तो आपकी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसका यहाँ पे कट ऑफ जारी कर दिया गया है। साथ में आपकी जो पोस्टपोन कर दी गई है वो आपकी 2 दिन आगे एक्सटेंड करके आपकी डेट रखी गई है। तो आपके BSc पैरामेडिकल और BPH कोर्सेज के लिए सितंबर 2021 सेशन के लिए पहले जो आपका शेड्यूल जो डेट शीट दी गई थी उसमें आपके 24/8/2021 दी गई थी, लेकिन अब जो न्यू डेट है वो आपकी 26/8/2021। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी वो आपकी 26/8/2021 को होगी और ये 26/8/2021 को आपको फिजिकली प्रजेंट होकर आपकी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो करवानी है। आपको कहाँ पे उपस्थित होना है दोस्तों, तो ये एड्रेस आपको दिया गया है। 10 बजे आपको 26/8/2021 थर्सडे को आपको उपस्थित हो जाना है भार्गवा ऑडिटोरियम PGIMER चंडीगढ़ में, आपको 26/8/2021 को। अब कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल है इसके लिए, तो वो जान लेते हैं। इसकी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जिन बच्चों के इसके अबोव परसेंटाइल बने हैं केवल वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। तो अभी की जो कट ऑफ लिस्ट जारी की है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जारी की गई है। तो अगर BSc पैरामेडिकल की बात करें आपके परसेंटाइल इनके, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके 95.4633, तो इससे अबव और या आपके ये आपके परसेंटाइल हैं तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें OBC कैटेगरी की, तो अगर आपके 84.7096 अगर आपकी ये परसेंटाइल हैं या इससे अबव हैं, इससे नीचे हैं, वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं जा सकते। नेक्स्ट SC कैटेगरी की बात करें, आपके अगर 80.4849 अगर आपके इससे अबव हैं तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ST कैटेगरी की बात करें तो 58.7854 तो अगर इससे अबव हैं तो आप फर्स्ट राउंड में जा सकते हैं। और फिजिकल हैंडीकेप की जो आपकी कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए वो गई है आपकी 82.6452। तो ये हो गई दोस्तों आपकी BSc पैरामेडिकल की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ लिस्ट। अब आपके जो बैचलर ऑफ फिजिक पब्लिक हेल्थ परसेंटाइल है तो उसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए आपके 74.5 गई है, OBC के लिए 55.5 गई है, SC के लिए 53.5 गई है और ST में किसी भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई नहीं किया, इनके जो क्वालिफाइंग स्कोर है उसको भी अचीव नहीं किया और फिजिकल हैंडीकैप में कोई भी कैंडिडेट है उसने अप्लाई नहीं किया था, ये अपीयर नहीं हुआ था। तो ये आपकी हो गई BPH की और ये हो गई आपकी BSc पैरामेडिकल के लिए। तो अगर आपके इनसे अबव आपके परसेंटाइल स्कोर कार्ड आप सभी ने चेक कर लिया होगा, मैंने उसका सेपरेट वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करवा रखा है, तो उसमें आपके परसेंटाइल मेंशन करके, तो ये आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की है। इसके बाद में अगर सेकेंड राउंड की या मॉपअप राउंड की बात करें तो जैसे ही उसकी अपडेट आएगी आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी डाउट है या तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको जो फिजिकल आपकी जो काउंसलिंग होगी तो उस काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो पहला आपका है मार्कशीट लेके जानी है 10+2 की या पासिंग सर्टिफिकेट है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जैसे OBC कैटेगरी के अगर बिलोंग करते हैं
तो वो आपका 20/8/2020 के आपका है, वो बाद में ही आपका इश्यू हो, इससे पहले का नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, इससे पहले का आपका ओबीसी कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इश्यू नहीं हो रखा हो, इसके बाद की डेट का ही आपका इश्यू हो वही वैलिड रहेगा। और इसके अलावा आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगी, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है फिजिकल हैंडीकेप बच्चों के लिए तो वो भी आपको लेके जाना है। और जो भी सिलेक्टेड होंगे तो उनको जो सीट अलॉट हो जाएगी तो उसमें आपकी जो कोर्स फीस है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको 3030 रुपये, ये आपको डेबिट कार्ड से या आप DD बनवा के लेके जा सकते हैं, तो ये आपको लेके जाने हैं। और ये DD अगर आपको बनवानी है तो डायरेक्टर PGIMER चंडीगढ़ और आपको ये बनवानी है उसी टाइम पे, आपको जब सीट अलॉट हो जाएगी एडमिशन के टाइम पे तो वो आपको 3030 रुपये की DD आपको बनवानी है। तो आप कैश लेके चले जाइए दोस्तों, मेरा यही कहना है, उसके बाद में आप वहाँ DD जाके भी बनवा सकते हैं दोस्तों। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी बारगवा ऑडिटोरियम में, 10 बजे आपको उपस्थित होना है, आपको बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है 10 AM शार्प ऑन 26/8/2021 को आपको उपस्थित होना है। और साथ में आपको कौन से, आपको मास्क पहन के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जो COVID-19 के जो प्रोटोकॉल है उनका भी आपको पालन करना है, तो आपको फेस मास्क का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, फर्स्ट राउंड की जारी कर दी गई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये पसंद आई हुई, तो कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछें। इसके अलावा दोस्तों अदर कोई भी अपडेट आएगी, इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड फ़ीस कितनी जमा होगी, आपकी कट ऑफ कितनी गई है, तो वो सारी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।